हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरएचएल 7 इंस्टॉल करने के लिए किसी भी मशीन के अंदर मिनिमम कितना हार्डवेयर होना चाहिए। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक पिक्चर की हेल्प ले रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप किसी भी मशीन के अंदर लाइनक्स 7 यानी कि आरएचएल 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले उस मशीन के अंदर मिनिमम 1 GHz प्रोसेसर होना चाहिए विद 64-bit आर्किटेक्चर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आरएचएल 6 ऑपरेटिंग सिस्टम था वो 32 और 64 दोनों आर्किटेक्चर में अवेलेबल था, लेकिन आरएचएल 7 जो है ये केवल 64-bit आर्किटेक्चर में ही अवेलेबल है, ये 32-bit आर्किटेक्चर में अवेलेबल नहीं है। तो जिस भी मशीन के अंदर आप आरएचएल 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है उस मशीन के अंदर 1 GHz प्रोसेसर होना चाहिए विद 64-bit आर्किटेक्चर। सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है रैम। दोस्तों, उस मशीन के अंदर मिनिमम 512 MB रैम होना चाहिए, इन केवल इंस्टॉलेशन पर्पस के लिए। लेकिन अगर आप उस मशीन को प्रॉपर ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उस मशीन के अंदर 1.5 GB रैम होना चाहिए। लेकिन अगर केवल आप इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं, तो केवल उसके अंदर 512 MB रैम होना चाहिए। थर्ड आता है हार्ड डिस्क। दोस्तों, किसी भी मशीन के अंदर आरएचएल 7 इंस्टॉल करने के लिए थर्ड रिक्वायरमेंट होती है कि उस मशीन के अंदर 8 GB फ्री हार्ड डिस्क स्पेस होना चाहिए। तो दोस्तों, जिस भी मशीन के अंदर आप ये तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो, उस मशीन के अंदर आप आरएचएल 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो।